मैच जीता एक ऐसी जगह जहां पर बड़ा मुश्किल था बैटिंग करना, मगर सूर्य ने कहा कि यार मैं अगर टॉस जीतता तो मैं बैटिंग ही करता मैं, यानी कि वो मार्ग्राम को ऊपर से आए थोड़ा सा वो, मगर ऊपर से आना तो फिर पता चलना था कि यार कितना स्कोर किया जाए, मगर एक कंफर्टेबल टोटल, कंफर्टेबल मैं इसलिए कहूंगा यार एक साइड की बाउंड्री छोटी थी, सामने वाली बड़ी लंबी थी, रन तो छोटे ही थे, मार्को यंगसन तो कह रहा है मुझे 5 गेंदे और दे देते मैं 10 ज्यादा बना देता, मगर ये कि यार साउथ अफ्रीका चाहता तो ये कर लेता, मतलब इतना नहीं था इस ग्राउंड के ऊपर बोलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ बोलिंग अक्षर पटेल का तुम बता रहे थे कि अक्षर पटेल इकोनॉमिकल ठीक है, अगर इकोनॉमी उसकी अगर देखी जाए तो असल लगेगा कि 24 गेंदों पर 29 रन, एक विकेट डाला कि पहली दो बॉलों में दो बाउंड्रीज आई थी, एक अनफॉर्चुनेट और एक बड़ी फॉर्चुनेट, अच्छा मारा था तो यही बात देखें। एक दो चीजें मैं स्टार्ट में ही कहता चलूं, फिर मैच के ऊपर तो हम बात करेंगे कि यार सूर्या अगर अपना नंबर दे रहे हैं, अपना नंबर अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पांड्या का भी करें ना, पांड्या कहीं लिखवा के लाए क्या? अक्षर पटेल को कौन लोग हैं जो अक्षर को नहीं कह रहा कि अक्षर को आप देते वो नंबर, अबे रिंकू को ऊपर ले लेते हैं, रमनदीप को ले लेते, ये कमाल है। पांड्या और मिलर का आज एक जैसा दिन था, दोनों के बैट पर बॉल ही नहीं आ रही थी, दोनों का आज बड़ा ही ऑफ डे था अगर देखा तो जाए। ये पंकज तुमने लिखा था कि भाई ये जरूर पूछेगा, पता नहीं तुम्हारा क्या रिश्ता है पटेल से या रमनदीप से, उसका क्या रिश्ता, रमनदीप तो अपना लड़का ही आज ये आज लिखा है, मुझे भी फील यही आया कि नहीं यार अगर कप्तान अपने नंबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो कि दुनिया में मैंने तो नहीं देखा कप्तान अपने नंबर सेक्रीफाइस करे, मगर सूर्या ने किया अपना नंबर सेक्रीफाइस, हालांकि अगर वो अपने नंबर हमजा दानिश ये जो तू तफरी कर रहा है, मार्को यंगसन कोई टेलेंटर नहीं है, चल गया बस ऑलराउंडर बेटा, मैच जिताना था क्लासन ने, मिलर ने जिताना था, यंगसन मैच नहीं विन करा सकता साउथ अफ्रीका को, इतनी बड़ी तोप नहीं है कि वो मैच विन कर जाए वहां से, हाँ क्लासन यहाँ पे खड़ा होता तो कुछ भी हो सकता था, जल्दी जल्दी निपटा ले, कल नंबर वन बॉलर और नंबर वन बैटर खेलेगा तो बहरहाल इंडिया ने यहाँ पर लीड तो ले ली है, इंडिया सीरीज नहीं हारेगा, सीरीज बराबर हो सकती है, 200 और फिर 2 डक, यानी कि संजू के साथ भी बड़ी चीजें मिली जुली, संजू पे कब आऊंगा मैं आ जाता हूँ, देखो प्रेस किया था 2 सेंचुरी नाम की एक इंडिया में, एक यहाँ आखिरी 5 इनिंग देखो जरा उसकी, ओवरसीज ओवरसीज वो 100 है, बाकी चारों में डक है, चारों में डक भैया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है यार। अच्छा भाई जो लास्ट मैच था और जो आज का यार, मतलब तुमने किस तरह आउट होने का ठेका लिया भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, और कल मैं आज को तुम कह रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ उस दिन तो लोग मैयतें उठ जाती हैं तो तुम गायब हो जाते हो बहुत सारे, तो भाई मैं तो तुम्हें परसों का बताऊंगा, मैं तो तुम्हें परसों का बताऊंगा कि परसों क्या हुआ है, अबे ये विकेट छोड़ के क्या मार रहा था भाई, इतना सीनियर प्लेयर है, अगर फर्ज करो चौथा मैच है, ये चौथे मैच में भी आउट हो गया तो इसने इस सीरीज में क्या किया, 100 बना दिया भाई, ओपनिंग बल्लेबाज जो तजुर्बेकार होता है उसका काम होता है गेम को आगे लेके चलना, तुम्हारे साथ एक आदमी रखा अभिषेक शर्मा, उसकी ड्यूटी है तेज खेलना, और आज उसने 25-24 पे 50 किया, 25वीं पे वो आउट हुआ, वो भी उसको एक मसला मैं इमर्जिंग से देख रहा हूँ, वो स्पिनर पे प्री प्लान आगे निकल जाता है, अगर वो खड़े होके खेले ना तो उसका आउट होना आज बहुत आसान नहीं था, क्या पता तो वो सेंचुरी तिलक वर्मा से पहले अभिषेक शर्मा की आ जाती, ये जो दो लड़के हैं इमर्जिंग के, यानी कि अभी तो लेट लास्ट इन्होंने इमर्जिंग ही खेला इंडिया से, अभिषेक और वर्मा, ये दोनों ने आकर मोमेंटम, यानी कि सूर्या के नंबर को जस्टिफाई किया, तिलक वर्मा ने आज जिस अंदाज से उसने आज आके 100 मारे, सूर्या के 100 वो मार गया तिलक वर्मा, आप यूं लीजिए, मगर वो जो सूर्या की सीरीज वैसे ठंडी चल रही है, सूर्या के अगर 100 होते तो 40-40 बॉलों पे आते, इसके तो फिर भी 50 बॉले ठंडी चले भी है, ये 3 मैचों में किया क्या है, गंभीर ने किस चक्कर में लगा दिया इसे, क्या अक्षर देखा, ये जो बात इन्होंने शुरू में की थी ये बात अभी ही कर लेते हैं, बाकी आगे फिर मौका नहीं मिलेगा, हमें जो सही लगता है हम वो कहते हैं, देखा अक्षर पटेल को बैटिंग में पीछे धकेला जा रहा है, जल्दी विकेट गिरने की सूरत में एक दफा 5 बहुत अच्छा था पिछले, जी 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 भाई उसका स्ट्राइक रेट और उसका इकोनॉमी, बात यह कि आज का उसका वही कैच जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच की याद आ गई, जो उसने कैच लिया था बाउंड्री पर उछल के अगेंस्ट द विंड, तो ये कैच तो उसके आगे कुछ भी नहीं था, बट अक्षर की जंप ऐसी थी जैसे 100 बनाने के बाद तिलक ने जंप मारी है उससे जरा सी छोटी थी, तो कहने की बात है कि ये आपको देखना होगा गंभीर साहब कि अगर आप ये इस चक्कर में कि अक्षर पटेल को मैं बॉलिंग में एक्सपोज करूं, एक दिन आपने बॉलिंग नहीं दी कि तुम गैर जरूरी हो, आज आपको डर था कि पब्लिक टूट पड़ी है, आपने आज पावर प्ले में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा पावर प्ले में आपने आपने खिलाए 2 पेसर, तो आपने 4th ओवर के बाद ही इंट्रोड्यूस किया, तो आप तो वरुण को कर सकते थे मिस्ट्री, आपने अक्षर को क्यों किया कि गंदा हो जाए,
तो भैया हम नहीं बख्शते, हम क्रिकेट की बात जो हमें अगर जो प्लानिंग देखे गलत उसमें देखोगे तो साजिश, वरना इनकी कहीं ना कहीं प्लानिंग में है ये गेम कि अक्सर दो तीन मैच गंदे खेल जाए तो हमारे पास जवाब आ जाए कि हम राइट ऑफ कर दें। जी तो जनाब, चार बालों पे साउथ अफ्रीका को 18 रन चाहिए और अर्शदीप सिंह बॉलिंग कर रहे हैं और ये मार्को जैनसन जो है वो बच गया है भाई, बच गया है। अर्शदीप सिंह रिव्यू लेने के लिए कह रहे हैं भाई, सूर्या कुमार यादव ने रिव्यू ले लिया, अब देखना यह कि क्या ये जो अब आउट है, मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा आउट है, अब क्या हो सकता है, देखना यह कि क्या ये आउट है। लेकिन ये मैच कहां से कहां आ गया है भाई, ये यानी कि ये है क्रिकेट भाई, और इसको बोलते हैं फाइट करना, जैसे जो साउथ अफ्रीका की टीम फाइट कर रही है, खास करके मार्को जैनसन अकेला खड़ा है वो बंदा और अकेला लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, शायद ये मैच वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन बैटिंग बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की बैटिंग, कहां पर ये लग रहा था कि शायद जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम 180 भी ना बना पाए, और कहां पर अभी जो है चार बॉलें बाकी हैं, बल्कि तीन बॉलें बाकी हैं और जो है वो तीन बॉलों पे 18 रन चाहिए, मैच शायद साउथ अफ्रीका हार जाए, लेकिन फाइट बहुत कमाल की साउथ अफ्रीका ने फिलहाल अभी तक की है, और मार्को जैनसन अकेला खड़ा था और अब ये जो अब आउट हो गया है, आउट हो गया मार्को जैनसन, वाह आउट हो गया है, और इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया। पहला मैच इंडिया की टीम ने जीता, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया और तीसरा मैच दोबारा से इंडिया की टीम ने जीत लिया है, और क्लासन की बेहतरीन बैटिंग भी जो है वो साउथ अफ्रीका को ये मैच नहीं जिता सकी, क्योंकि क्लासन के साथ किसी और बल्लेबाज को भी इसी तरह की बैटिंग करनी थी, ये रन्स जो है वो 220 का चेस करने के लिए, जो कि कोई कर नहीं सका, मिलर ने थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन अक्षर पटेल का वो अनबिलीवेबल कैच जो है वो मिलर को जो है वो साइड पे कर दिया उसने, और इस तरह से इंडिया ने बड़े आराम के साथ ये मैच जो है जीत लिया है। पहले जो है आपको मालूम है कि इंडिया की टीम ने बैटिंग की हुई थी और आज जो है वो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का कलहाड़ा चला और उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। पहले अभिषेक शर्मा ने जो है 25 बालों पे 50 रन, 3 चौके 5 छक्के 200 के स्ट्राइक रेट से, और उसके बाद जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो तिलक वर्मा ने कलहाड़ा चलाया और अपनी जो है पहली T20 की सेंचुरी बना दी, 56 बॉलें 107 रन 8 चौके 7 छक्के 191 का स्ट्राइक रेट, और इस बैटिंग के बाद इंडिया को किसी और की बैटिंग की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। साथ में थोड़ा साथ रमनदीप ने भी दिया, हार्दिक पांड्या ने भी दिया, और इंडिया की टीम ने 220 का टारगेट सेट कर लिया। हाँ, अगर बाकी सारे भी जो है आखिरी ओवर्स में रन बना पाते शायद ये 220-240 होता, ठीक है, लेकिन जितना इंडिया ने बनाया वो भी जो है इंडिया ने बड़े आराम के साथ जो है वो डिफेंड कर लिया, और बहुत कमाल की बैटिंग जो है वो खास करके तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की जानब से देखने को मिली है। अभिषेक शर्मा इनिंग्स ड्यू थी, क्योंकि इतने जो है वो मैचेस हो गए थे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और अब जो बातें हो रही थी यार अभिषेक शर्मा क्या जल्दी जो है खिला लिया गया है, क्या अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है उस तरह से अभी नहीं सेटल हो पाए, क्या ये सिर्फ छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सेंचुरी जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लगाई हुई थी, लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने जो है वो सबकी बोलती बंद कर दी है और कमाल की जो है वो अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, और एक ऐसे जगह पे आके बैटिंग की है ना जहां पर बहुत मुश्किल होता है जो है वो एशिया के बैटर्स का साउथ अफ्रीका के पेसर्स के सामने खुल के खेलना, लेकिन आज बहुत अच्छी जो अभिषेक शर्मा ने बैटिंग किया है, और साथ में तिलक वर्मा की क्या ही बात करें, आज तो ऐसा लग रहा था कोई हम जो वीडियो गेम देख रहे हैं भाई, छक्के पे छक्का और चौके पे चौका, चाहे वो तिलक वर्मा हो चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तो बैटर्स ने तो कमाल की बैटिंग किया। रिंकू सिंह थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए और आखिर में बोल्ड हो गए, वो चले गए, और साउथ अफ्रीका की बॉलर्स की बात करें ना अगर तो सिमी लेने जो है इसने जो है थोड़ी सी जो है वो बॉलिंग अच्छी की, 2 विकेट इसने ली है, लेकिन इसको भी एक ओवर में जो है वो 2 छक्के लगा दिए थे अभिषेक शर्मा ने। हमें देखने को मिला है हाई स्कोरिंग मैच के अंदर, सामने वाली टीम ने भी फाइट किया और इस मैच को एक्साइटेड बनाया, बड़े अरसे बाद कोई T20 मैच
आखिरी ओवर तक गया, वो अलग बात है कि आखिरी बॉल तक नहीं गया लेकिन आखिरी ओवर तक गया। 11 रन से भारत ने विक्ट्री हासिल की है इस मैच में दो डिफरेंस से। एक तो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग, जो कि वो बॉलिंग कर रहा है भाई साहब, बड़ा बड़ा बॉलर बन चुका है टी ट्वेंटी का, स्पेशली टी ट्वेंटी के अंदर अर्शदीप सिंह पकड़ा नहीं जा रहा, अर्शदीप सिंह ने तबाही मचाई हुई है, खेलता भी यही फॉर्मेट है। और इंडिया को एक बड़ा अच्छा नए बॉल का और पुराने बॉल का बॉलर मिल गया, जो कि नए बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट निकालता है और पुराने बॉल से भी यॉर्कर बड़ी अच्छी, जिसको कहते हैं ना अच्छी लाइन लाइन के ऊपर बॉलिंग करता है एंड के ओवर्स के अंदर भी। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से इस मैच के अंदर 11 रन से इंडिया जीता है, ये जो 11 रन की विक्ट्री है इसके अंदर आप 6 रन वो काउंट करें जो अक्षर पटेल ने एक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है। अगर डेविड मिलर का वो छक्का हुआ होता, जो कि आप समझ लो कि तकरीबन उसने कोई 2 फीट की जंप लगाई हुई थी और ऊपर से उसने कैच पकड़ा है। अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत हैवी कैचेस पकड़े थे, मिचेल मार्श का जो कैच पकड़ा था मैच को बदल के रख दिया था, अक्षर पटेल ने भी आज भी वो कैच पकड़ा जिसने मैच को चेंज करके रख दिया, क्योंकि डेविड मिलर जो था ना वो एकदम से चल पड़ा था और क्लासन दूसरे एंड से मार रहा था। तो ये जो मैच था ना इसके अंदर जो रियल डिफरेंस था मेरी नजर के अंदर, जो इस मैच के अंदर जो असल डिफरेंस था ना वो था अक्षर पटेल का कैच, जो उसने कैच पकड़ लिया भाई साहब उसने सब कुछ ही पलट कर दिया था, मैच ही चेंज कर दिया। मुझे तो लग रहा था हालांकि स्कोर बड़ा चाहिए था, 6 ओवर में कितना चाहिए था, 6 ओवर में चाहिए था आपको 70-80 इतना ज्यादा चाहिए था कि आखिरी 3 ओवरों में जो स्कोर था वो पहुंचा हुआ था 59 के करीब। हां जी, तो इतना ज्यादा स्कोर आपको चाहिए था। उसके बाद जिस तरीके से फाइट किया गया, सुपर बॉलिंग की गई भारत की तरफ से भी, आपके जिसको कहते हैं मार्को जेनसन जो बल्लेबाजी कर दिया, मार्को जेनसन तो टीम के लिए छोड़ो, वो जिस चीज के लिए खेल रहा था वो कामयाब हो गया। गैरल कोर्टजिया और मार्को जेनसन ये आईपीएल की ऑक्शन के अंदर तबाही मचाएंगे, साफ सी बात है। गैरल कोर्टजिया ने भी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई सीरीज के अंदर, आज उसको मार भी बड़ी पड़ी है। लेकिन मार्को जेनसन जो है ना ये बड़े महंगे बिकने वाले हैं, क्योंकि ये बल्लेबाजी बड़ी अच्छी करने लग गए और बॉलिंग भी अच्छी करने लग गए, तो मार्को जेनसन तो छोड़ेगा नहीं। मार्को जेनसन आईपीएल की ऑप्शन में बड़ा महंगा बिकेगा। लेकिन यार ये जो मैच था ना, ये अगर थोड़ा सा और करीब जाता ना, ये अगर आखिरी बॉल पे 2-3-4 चाहिए होता, बहुत मजा आने वाला था, बड़ा मजे का मैच हुआ है। देखिए वलीद भी, साउथ अफ्रीका ने बीच में बड़ी गलतियां भी की हैं, आपने देखा होगा क्लासन 1-2-3 ओवर तक तो ऑन स्ट्राइक आया ही नहीं, आखिरी आखिरी बॉल पे सिंगल कर रहे हैं और मार्को जेनसन ने भी सिंगल कर ली, डेविड मिलर भी सिंगल। यार आप देखो मिलर ने खेला क्या, 18 बॉलों पे 18 करके गया, हरवाने वाला तो इनको मिलर है, जब छक्का मारने लगा एक छक्का गलती से लग गया, अगले छक्के के चक्कर में वो आउट हो गया और अक्षर पटेल ने तो उसको बर्बाद करके रख दिया, उसने कैच पकड़ा। दूसरा ये ट्रिस्टन स्ट्रव 12 बॉलों पे 12 करके गए, पिछले मैच का हीरो था, तो असल हरवाने के अंदर सबसे बड़ा किरदार है वो है ट्रिस्टन स्ट्रव और इसका डेविड मिलर का। बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रिस्टन स्ट्रव देखे सही सीधे बल्ले में तो स्पिनर का बॉल आ ही नहीं रहा था, हालांकि पिच फ्लैट थी लेकिन उस टाइम स्पिनर का बॉल मुश्किल से आ रहा था और ट्रिस्टन स्ट्रव सा वो रिवर्स स्विफ्ट करके उसको खेलना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से वो एक दो बारी बचा भी है लेकिन उसके बावजूद वो आउट हो गया। 100% ठीक है कि डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्ट्रव, आप देखें ये फील्डिंग कितना डिफरेंस कर देती है गेम के अंदर, के अक्षर पटेल का 6 रन निकाले, उसके अलावा 1-2 और बड़ी अच्छी फील्डिंग की है अक्षर पटेल ने, उसके बाद एक चौका भी रोका, चौका भी रोका अक्षर पटेल, बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर है यार। आप ये देखो आज सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग के अंदर यूज किया, आपके 12 ओवर स्पिनर्स ने करवाए, अक्षर पटेल ने 29 खाया इस बैटिंग विकेट के ऊपर, एक विकेट भी नहीं गया वो। दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती जिसने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे उसको 54 पड़ा, विकेट भी उसको मारने के चक्कर में पड़ी थी, लेकिन आप देखो इस विकेट पे स्पिनर्स को मार पड़ रही थी, लेकिन जो डिफरेंस था ना वो अक्षर पटेल एज अ फील्डर तो था, लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बॉलिंग की है ना असल डिफरेंस वो था, उसने 29 रन खाए हैं। और सवाल यही आता है कि सूर्य कुमार यादव ने उसको पिछले मैच में ओवर क्यों नहीं दिया, जबकि वो इतना अच्छा बॉलर है, उसको आपने पावर प्ले में यूटिलाइज किया, उसको तरीके से यूटिलाइज किया, देखो गलतियां रवि बिश्नोई के भी 4 ओवर पूरे करवाए, उसको बड़ा अच्छा यूज किया है रवि बिश्नोई को अक्षर पटेल को। आपको पता है कि लास्ट सेशन में भी हम दूसरे वाले मैच के सेशन में यही बात कर रहे थे कि जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता था ना वो अक्षर पटेल क्रिएट कर सकता था, क्योंकि उसने फास्ट बॉलिंग लगा दी, फिर उनको हिटिंग हुई थोड़ी सी, दूसरे मैच की बात कर रहा हूँ उस पर मैच हाथ से निकल गया इंडिया के।